एक ब्लू टिक की वजह से हुआ $15 बिलियन का नुकसान। ये बात है फ्राइडे 11 नवंबर 2022 की, जब एली लिली जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसके ट्विटर वेरीफाइड अकाउंट से ये ट्वीट गया कि इंसुलिन अब से फ्री है, जिसको देख के इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा विड्रॉ कर लिया। इससे कंपनी के स्टॉक्स में गिरावट आई और मार्केट कैप $15 बिलियन से कम हो गया। बाद में ये पता लगा कि ये एक फेक अकाउंट से करा गया है जिसमें $8 दे के ब्लू टिक ले लिया गया था, और कंपनी को जैसे ये पता लगा उसने अपने ऑफिशियल अकाउंट से माफी मांगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ट्विटर को ये जो सर्विस है हटा देनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताएं, और ऐसे फैक्ट्स जानने के लिए फॉलो करें मार्केटिंग फंडास मिनी।